नमस्कार एंड वेलकम टू जीके प्रिंस एकेडमी। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे करंट क्विज टू द पॉइंट अप्रोच के साथ, जो कि वॉल्यूम नंबर 3 था ये बुक, और उसका हम डिस्कशन कर रहे थे। ठीक है, इसमें अगर हम देखें तो इस बुक में हम लोगों ने अभी तक राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, आर्थिकी, विज्ञान, पर्यावरण और रक्षा परिदृश्य के बारे में हम लोग देख चुके हैं वॉल्यूम 3 में। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे संक्षिप्तियाँ, उसमें चर्चित व्यक्ति होंगी, दिवस होगा, विविध चीज़ें होंगी, योजना परियोजना होंगी, निधन होगा, ये सारी चीज़ें संक्षिप्तियों के बारे में। इसके बाद फिर इसके लास्ट में खेल प्रदेश, तो ये दो चैप्टर हम इसमें देखने वाले हैं, संक्षिप्तियाँ, इसके बाद खेल प्रदेश, जो कि आज ये तीसरे पार्ट में वॉल्यूम 3 जो है समाप्त हो रहा है। ठीक है, वॉल्यूम 3 का 3 पार्ट में वीडियो समाप्त होगा। इसका पहला और दूसरे पार्ट में, पहले पार्ट में जो है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य है, दूसरे पार्ट में आर्थिक और विज्ञान, पर्यावरण, रक्षा परिदृश्य है, और तीसरे पार्ट में आज संक्षिप्तियाँ और खेल परिदृश्य हम दोनों समाप्त करने वाले हैं। ठीक है, तो ये वॉल्यूम 3 जो है घटना चक्र की, करंट क्विज की, वो बुक जो है समाप्त हो रही। इसका जो है दो लिंक, पहला और दूसरे पार्ट का, वो दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से भी उसको जाकर देखिएगा। इसके बाद ये वाला वीडियो जो है देखिएगा, ठीक है, क्योंकि एक दूसरे से लिंक है। और इसके बाद वॉल्यूम 1 का बुक जो है वो हो चुका है, वॉल्यूम 2 का जो बुक है वो भी हो चुका है, तो उसका भी लिंक मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ पर से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पर नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, तो चर्चित व्यक्ति, पहला क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में किसे भारत सरकार द्वारा मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया है? आंसर हो जाएगा डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को नियुक्त किया गया है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नए मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है जनवरी 2022 में भारत सरकार के द्वारा वी अनंत नागेश्वरन। इनका नाम क्या है? वी अनंत नागेश्वरन। ठीक है, अनंत नागेश्वरन ने पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार के बी सुब्रमण्यम की जगह ली है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे नीति आयोग का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम हो जाएगा सुमन बेरी। सुमन बेरी को जो है नीति आयोग का उपाध्यक्ष जो है नया नियुक्त किया गया है। ठीक है, सुमन बेरी अर्थशास्त्री हैं। सुमन बेरी 22 अप्रैल 2022 को घोषणा की गई, 1 मई को ये पदभार ग्रहण कर लिए हैं। ठीक है, किसके स्थान पर आए? तो ये राजीव कुमार के स्थान पर नियुक्त किए गए हैं। नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च के महानिदेशक इसके पहले थे ये, और सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च में ये वरिष्ठ फेलो के द्वारा जो है चयनित थे। ठीक है, तो इस तरीके से इसका यह क्या हो जाएगा, सुमन बेरी, आपको नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में किसे लीजेंड्स लीग क्रिकेट द्वारा ऑल वुमेन मैन आधिकारिक टीम का एम्बेसडर नामित किया है? आंसर की बात करेंगे इसमें तो हो जाएगा झूलन गोस्वामी को इसमें नामित किया गया है एम्बेसडर के रूप में, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा, झूलन गोस्वामी। ठीक है, झूलन गोस्वामी को जो है ऑल वुमेन मैच आधिकारिक टीम का एम्बेसडर नामित किया गया है लीजेंड क्रिकेट लीग के द्वारा। ठीक है, उद्देश्य की बात करें तो महिला अधिकारिता पहल को बढ़ावा देना एवं क्रिकेट में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने का ये उद्देश्य है। LLC द्वारा जो है लीग के लिए सभी महिला मैच अधिकारी टीम की स्थापना की गई है। ये पहली बार होगा जब कोई महिला अधिकारी टीम संपूर्ण पुरुष लीग का संचालन करेगी, लीजेंड्स क्रिकेट लीग। ठीक है, ये उन पेशेवर क्रिकेटरों के लिए एक लीग है जिन्होंने खेल से संन्यास ले लिया है। उद्घाटन इसका 20 जनवरी 2022 को, स्थान था मस्कट ओमान। ठीक है, ओमान में एक जगह है मस्कट, वहाँ पर इसका किया गया उद्घाटन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 27 जनवरी 2022 को महान खिलाड़ी चरणजीत सिंह का निधन हो गया, वो किस खेल से संबंधित है? तो इनका संबंध जो है ये हॉकी से संबंधित है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, हॉकी प्लेयर थे, आंसर इसका बी हो जाएगा। ठीक है, चरणजीत सिंह का निधन हो गया 27 जनवरी 2022 को, जन्म इनका 1931 में हुआ था, जन्मस्थली का नाम है ऊना, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, 1964 के टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे। 1960 में रोम ओलंपिक की रजत पदक विजेता टीम के भी ये कप्तान थे। इसके अलावा यह वर्ष 1962 में एशियाई खेलों की रजत पदक विजेता के टीम में भी थे। वर्ष 1964 में जो है पद्म श्री से सम्मानित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2022 में किसे मुख्य सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी विप्रो का दक्षिण पूर्व एशिया के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है बद्रीनाथ श्रीनिवासन को जो है जनवरी 2022 में विप्रो का जो है दक्षिण पूर्व एशिया के प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्ति की गई है। ठीक है, विप्रो एक IT सेवा कंपनी है और विप्रो जो है एक अग्रणी वैश्विक सूचना प्रौद्योगिकी परामर्श व्यवसाय प्रक्रिया सेवा कंपनी है। इसकी स्थापना 1945 में किया गया था। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु कहाँ है? कर्नाटक। ठीक है, और बेंगलुरु में ही जो है इसरो का मुख्यालय, इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइंट,
बद्रीनाथ श्रीनिवासन इस क्षेत्र में कंपनी के कारोबार वृद्धि, राजस्व विस्तार, ग्राहकों से संबंध, कौशल विकास पर ध्यान देंगे। इससे पूर्व इंफोसिस में वित्तीय सेवाएं एवं बीमा क्षेत्र के लिए एशिया लीडर की भूमिका में थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में विश्व के किसे सबसे बुजुर्ग व्यक्ति का निधन हुआ? तो उनका नाम था सैटर्नेनो डिला फुएंटे, जो कि ये विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे जिनका निधन हो गया। ठीक है, ये कितने साल के थे? तो इनका जन्म देख लीजिए 11 फरवरी 1909 को हुआ था, इनकी मृत्यु हुई है 18 जनवरी 2022 को। ये स्पेन लियोन देश से संबंधित हैं। सैटर्नेनो डिला फुएंटे जो है 112 वर्ष 211 दिन के थे। सितंबर 2021 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में इन्हें नामित किया गया था। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2022 में राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली भारत की पहली इकलौती महिला पायलट कौन है? तो वह हैं शिवांगी सिंह। क्या नाम है उनका? शिवांगी सिंह। आंसर इसका शिवांगी सिंह हो जाएगा। और ये वायुसेना में शामिल हुई थी वर्ष 2017 में। वाराणसी उत्तर प्रदेश इनकी जन्मस्थली रही है और शिक्षा दीक्षा इनकी मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान में हुआ है। ठीक है, प्रमुख तथ्यों की बात करें तो शिवांगी सिंह राफेल लड़ाकू विमान उड़ाने वाली देश की पहली महिला पायलट हैं। अगला क्वेश्चन, जनवरी 2022 में फ्रांस की किस कथकली नृत्यांगना का जो है निधन हो गया? जो कि वो फ्रांस की थी और वो कथकली नृत्यांगना थी, तो ये मिलिना सालिनी इनका नाम था जिनका निधन हो गया। ठीक है, ये फ्रांस की रहने वाली थी। देख लेते हैं इनके बारे में। संबद्ध देश फ्रांस का, जन्मस्थल इनका इटली। इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया जा चुका है 2019 में। केरल में ही उन्होंने कथकली सीखा था। कथकली जो है शास्त्रीय नृत्य है केरल का। ठीक है, ये भी आपको याद रखना। इन्होंने जो है पेरिस में जो है वर्ष 1975 में भारतीय नृत्य शैलियों के लिए इस सेंटर मंडप चलाया। इस सेंटर के द्वारा 1980-1999 में आयोजित कार्यक्रमों ने दुनिया भर में कुटियाट्टम को लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके अलावा कुटियाट्टम को यूनेस्को की मान्यता प्राप्त कराने तथा वर्ष 2001 में मानवता कार्यक्रम की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल करने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 जनवरी 2022 को भारतीय महिला हॉकी टीम की मिडफील्डर किस महिला ने अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर से संन्यास ले लिया है? तो वो हैं लीलिमा मिंज। क्या नाम उनका? लीलिमा मिंज। ठीक है, लीलिमा मिंज जो है ये अंतर्राष्ट्रीय करियर से संन्यास लेने की घोषणा किया 13 जनवरी 2022 को। ठीक है, और ये 1994 10 अप्रैल को इनका जन्म हुआ था। ओडिशा सुंदरगढ़ की ये संबंधित हैं और भारतीय महिला हॉकी टीम की ये मिडफील्डर थी। ठीक है, हॉकी में पदार्पण इन्होंने 2011 में अर्जेंटीना में आयोजित चार देशों के महिला टूर्नामेंट भारत के लिए पदार्पण किया था। इन्होंने 156 मैच खेला, कुल 12 गोल दागे हैं पर्सनल। इन्हें 2014 जो है एशियाई खेलों में कांस्य पदक जीता, 2018 में एशियाई खेलों में राज्य रजत पदक और 2019 के FIH सीरीज फाइनल में स्वर्ण पदक जीता। 2016 में आयोजित रियो ओलंपिक में खेलों में भाग लिया, इसमें भारतीय महिला हॉकी टीम ने 36 वर्ष बाद पहली बार ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 जनवरी 2022 को भारत के नए राजदूत के रूप में डेनिस ओलिपो को नियुक्त किया गया, वो किस देश से संबंध है? तो इनका संबंध जो है रूस से संबंधित है। ठीक है, डेनिस अलिपो नए राजदूत बनाए गए हैं, भारत में नियुक्ति हुई इनका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 जनवरी 2022 में आर्मेन सरकिसियन द्वारा राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया गया, तो ये किस देश के राष्ट्रपति थे? तो ये थे आर्मेनिया राष्ट्रपति। आर्मेनिया देश है, वहाँ के राष्ट्रपति थे जिन्होंने इस्तीफा दे दिया। ठीक है, आर्मेनिया की राजधानी है येरेवन। ठीक है, आर्मेनिया की राजधानी कहाँ है? येरेवन, ये आपको जानना। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2022 में किस मशहूर चित्रकार का निधन हो गया? तो उनका नाम था वसीम कपूर। ठीक है, वसीम कपूर का निधन हो गया, जो कि ये जन्मस्थल इनका है लखनऊ उत्तर प्रदेश। फाइन आर्ट्स में डिप्लोमा इन्होंने की थी और शिक्षण संस्थान की बात करें तो इंडियन कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड ड्राफ्ट्समैनशिप कोलकाता से इन्होंने शिक्षण ग्रहण की है। कपूर को उनकी चित्रकारी श्रृंखला कोलकाता के रिक्शा चालक के लिए सराहा गया था। इनकी कृतियों को विक्टोरिया मेमोरियल, ललित कला अकादमी, फाइन आर्ट्स अकादमी, बिरला कला संस्कृति अकादमी, कोलकाता स्थित CIMA कला गैलरी, राष्ट्रीय आधुनिक कला गैलरी व दिल्ली स्थित बड़ेला कला गैलरी में प्रदर्शित किया गया था। ठीक है, इसके अलावा फ्रांस की राजधानी पेरिस स्थित लियोन और मर्सिले में भी उनकी कृतियों को प्रदर्शित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 जनवरी 2022 को किस प्रख्यात कथक नर्तक का निधन हो गया? तो उनका नाम है बिरजू महाराज, पंडित बिरजू महाराज का निधन, जो कि एक कथक नर्तक थे। ठीक है, अब इनका निधन 17 जनवरी 2022 को, जन्म इनका 4 फरवरी 1937 को हुआ था। मूल नाम इनका था ब्रिज मोहन नाथ मिश्र, जन्मस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश है। संबंधित घराना की बात करें तो कालका बिंदादीन घराने से संबंधित थे लखनऊ के। ठीक है,
पद्म विभूषण से 1986 में सम्मानित, कालिदास सम्मान 1987 में, लता मंगेशकर पुरस्कार 2002 में, विश्वरूपम फिल्म में कोरियोग्राफी के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2012 में इन्हें प्राप्त हुआ। इसके अलावा बाजीराव मस्तानी के मोहे रंग दो लाल गाने के कोरियोग्राफी के लिए 2016 में फिल्म फेयर पुरस्कार से अवार्ड सम्मान किया गया। ठीक है, पंडित बिरजू महाराज बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ये गुरु, नर्तक, कोरियोग्राफर, गायक, कंपोजर थे। इसके अलावा इनको ताल बाग बजाना, कविता लिखना और चित्रकारी आदि का शौक था। इन्हें काशी हिंदू विश्वविद्यालय और खैरागढ़ विश्वविद्यालय द्वारा डॉक्टरेट की मानद उपाधि भी प्राप्त थी। पंडित बिरजू महाराज को बचपन में दुख हरण नाम से जाना जाता था, जिसके बाद में बदल कर ब्रिज मोहन नाथ मिश्र कर दिया गया, जो बाद में बिरजू महाराज के नाम से फेमस हुए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में भारत सरकार को द्वारा किसे एयर इंडिया लिमिटेड का नया अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया, तो वह हैं विक्रम देवदत्त। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, विक्रम देवदत्त, जो कि एयर इंडिया के नए CMD बनाए गए हैं। ठीक है, राजीव बंसल का इन्होंने स्थान लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2022 में किस राज्य सरकार ने घोषणा की कि वीर योद्धा संगोली रायना के नाम पर एक सैन्य स्कूल का निर्माण किया जाएगा, तो वो होगा कर्नाटक में। कर्नाटक राज्य सरकार ने घोषणा की है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा, संगोली रायन्ना। कर्नाटक सरकार द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संगोली रायन्ना के नाम पर एक सैन्य स्कूल का निर्माण किया। इस स्कूल का संचालन रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाएगा। लागत है इसकी 180 करोड़ रुपये। निर्माण होने की अवधि वर्ष 2022 तक। संगोली रायन्ना कौन थी, तो संगोली रायन्ना कित्तूर रियासत के एक योद्धा थे। कित्तूर वर्तमान में कर्नाटक में है। इन्होंने अंत समय तक रानी चेन्नम्मा के साथ डॉक्ट्रिन ऑफ लव्स की लड़ाई खिलाफ लड़ाई लड़ी थी। चूंकि अंग्रेजों ने कित्तूर साम्राज्य के राजा और राजकुमार को मार डाला था, इसलिए जो है जिसे सिंहासन का कोई कानूनी उत्तराधिकारी नहीं था, अंग्रेज डॉक्ट्रिन ऑफ लव्स के तहत जो है कित्तूर साम्राज्य पर नियंत्रण चाहते थे। रानी चेन्नम्मा ने शिवलिंगप्पा को गोद ले लिया था। संगोली रायन्ना शिवलिंगप्पा को अगला शासक बनाना चाहते थे। उनके जीवन पर 2012 में कन्नड़ फिल्म संगोली रायन्ना बनी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2022 में पद्मश्री प्राप्तकर्ता बाबा इकबाल सिंह का निधन हो गया, वो किस राज्य से संबंधित थे, तो वो हिमाचल प्रदेश से संबंधित थे। कौन, आंसर क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा। ठीक, बाबा इकबाल सिंह जो कि हिमाचल प्रदेश से संबंधित है और इनका निधन बड़ू सिरमौर जिला में हुआ था। ठीक है, पद्मश्री पुरस्कार से 2022 में सम्मानित किया गया, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2022 में भारत सरकार द्वारा किसे भारतीय दिवाला शोधन अक्षमता बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो वो है रवि मित्तल। रवि मित्तल को जो है IBB के नए अध्यक्ष के रूप में दिया गया, अध्यक्ष के नियुक्त किया गया, भारतीय दिवाला और शोधन अक्षमता बोर्ड। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1 अक्टूबर 2016 को। स्थापना जो है ऋण शोधन और दिवालियापन संहिता 2016 कोड के तहत किया गया था। इसका मुख्य कार्य इसके तहत जो है ऋण शोधन पेशेवरों, ऋण शोधन पेशेवर एजेंसी और सूचना उपयोगताओं का विनियमित करना। दातव्य है कि रवि मित्तल ने MS साहू का स्थान ग्रहण किया है सितंबर 2021 में, जो कि सेवानिवृत्त हो गए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2022 में किस भारतीय शास्त्रीय गायक की जयंती के अवसर पर सांस्कृतिक फाउंडेशन का शुभारंभ किया गया है, तो वह है पंडित जसराज। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, पंडित जसराज। पंडित जसराज सांस्कृतिक फाउंडेशन का शुभारंभ 28 जनवरी को नरेंद्र मोदी ने किया। पंडित जसराज की 92वीं जयंती थी। स्थापनकर्ता थे सारंगदेव पंडित दुर्गा जसराज। भारत के राष्ट्रीय विरासत, कला और संस्कृति, रक्षा, संरक्षण, विकास और प्रचार का इसका उद्देश्य है। पंडित जसराज का जन्म 28 जनवरी 1930 को हुआ था, हरियाणा हिसार जिला में। ठीक है, मेवाती घराना से संबंधित थे। इन्हें पुरस्कार जो है 1975 में पद्मश्री, पद्म भूषण 1990 में, पद्म विभूषण सन 2000 में प्रदान किया गया। इनके करियर की शुरुआत जो है तबला वादक के रूप में हुई थी। भक्ति रस के तत्वों के साथ ख्याल मिश्रण के लिए जाना जाता है। मृत्यु 17 अगस्त 2020 को भारत के बाहर संयुक्त राज्य अमेरिका के न्यू जर्सी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2022 में पूर्व राष्ट्रपति क्रिस्टोस साठ जेटाकिस का निधन हो गया, वो किस देश के राष्ट्रपति, तो इसमें आप लोग जान लीजिए यही ग्रीस देश के राष्ट्रपति थे जिनका निधन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2022 में किस सीनियर एडवोकेट और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल का निधन हो गया, तो वो थे रूपंदर सिंह सूरी थे जिनका निधन हो गया। ठीक है, और ये अधिवक्ता थे तो इनका निधन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फरवरी 2020 में प्रख्यात वायज यानी कि धार्मिक प्रवचनकर्ता इब्राहिम सुतार का निधन हो गया, और ये किस रूप में जाना जाता था इन्हें, तो इन्हें कन्नड़ कबीर के रूप में जाना जाता है। आंसर क्या हो जाएगा, कन्नड़ कबीर। ठीक है, इब्राहिम सुतार को कन्नड़ कबीर भी कहा जाता था, संबंध राज कर्नाटक, और इन्हें पद्मश्री 2018 में सम्मानित किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
4 फरवरी 2022 को केंद्र सरकार द्वारा किसे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, तो वो हैं प्रोफेसर एम जगदीश कुमार। ठीक है, इन्हें जो है यूजीसी का नया अध्यक्ष बनाया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनवरी 2022 में किसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड अध्यक्ष एवं प्रबंधक के रूप में, निदेशक के रूप में जो है नियुक्त किया गया, तो उनका नाम है पुष्प कुमार जोशी। ठीक है, पुष्प कुमार जोशी को एचपीसीएल के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। ये जो है मुकेश कुमार सुराणा का जो है स्थान लेंगे। पूरा नाम एचपीसीएल का है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, स्थापना इसकी 1974 में, और यह एक महारत्न कंपनी है। ठीक है, अगला प्रश्न है, 12 फरवरी 2022 को किस उद्योगपति बजाज समूह के पूर्व चेयरमैन का निधन हो गया, तो वह है राहुल बजाज। ठीक है, राहुल बजाज का निधन हो गया, आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। और इन्हें जो है वर्ष 2001 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। इनका जन्म स्थान कोलकाता है। 83 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। ठीक है, भारतीय उद्योग संघ के अध्यक्ष के रूप में कार्यकाल की बात करें तो 1979-2000 दो बार इनको बनाया गया। 2006-2010 तक जो है ये राज्यसभा सदस्य भी रहे। वो प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी जमनालाल बजाज के पौत्र थे। अगला क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी में ईसाई धर्म अपनाने वाले किस भारतीय को 15 मई 2022 को वेटिकन में संत की उपाधि प्रदान की जाएगी, तो उनका नाम है देव सहायम पिल्लई। इनको 15 मई 2022 को वेटिकन में संत की उपाधि दी गई। आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट। देव सहायम पिल्लई 23 अप्रैल 1712 को तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले नट्टलम गांव में इनका जो है जन्म हुआ था। संत की उपाधि, जो ईसाई धर्म में संत की उपाधि पाने वाले देव सहायम पिल्लई पहले भारतीय होंगे। विशेषताओं की बात करें तो ईसाई धर्म अपनाने से पूर्व नीलकांत पिल्लई के नाम से विख्यात थे। त्रावणकोर के महाराजा मार्तंड वर्मा के दरबार में सेवा दी। 1745 ईस्वी में कैथोलिक बन गए तथा ईसाई धर्म अपनाने के बाद अपना नाम लेजा रूस रखा। बाद में देव सहायम यानी कि भगवान की मदद के नाम से विख्यात हुए। 14 जनवरी 1752 में इन्हें गोली मारकर इनकी हत्या कर दी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2022 में किसे गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी IIFL फाइनेंस बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया, तो वो हैं अरुण कुमार पुरवार। ठीक है, अरुण कुमार पुरवार को IIFL फाइनेंस बोर्ड का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया। ठीक है, दिसंबर 2021 में मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता, तो यह जीता गया है भारतीय हरनाश संधू के द्वारा। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब हरनाश संधू ने जीता है। उम्र इनकी 21 वर्ष है और आयोजन स्थल था इजराइल के रिसार्ट शहर इलियट में जो है आयोजन किया गया था। यह 17वां संस्करण था और संधू को जो है ताज 2020 की खिताब जीतने वाली मैक्सिको की एंड्रिया मेजा ने जो है ताज पहनाया संधू को। 2021 प्रतियोगिता की प्रथम और द्वितीय उप विजेता की बात करें तो पहली हैं नादिया फरेरा परागवे की और लालाला मसवाने दक्षिण अफ्रीका की। ठीक है, यह खिताब 2000 में अभिनेत्री लारा दत्ता को जो है प्राप्त हुआ था। यह खिताब 21 वर्ष बाद हरनाश संधू को प्राप्त हुआ है भारत में। इससे पूर्व यह खिताब अभिनेत्री जो है सुष्मिता सेन को 1994 में प्राप्त हुआ था। तो इस प्रकार 3 लोग हैं भारतीय जो कि जिन्हें यह मिस यूनिवर्स का खिताब प्राप्त हुआ है। ठीक है, हरनाश संधु फेमिना मिस इंडिया पंजाब 2019 का खिताब और मिस दीवा 2021 का खिताब भी जीत चुकी हैं। अब देखते हैं चर्चित स्थल के बारे में। पहला क्वेश्चन है, 1 जनवरी 2022 को किस स्थान पर देश का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का शुभारंभ किया गया, तो वो है गुरुग्राम। गुरुग्राम कहाँ है, हरियाणा में। ठीक है, इलेक्ट्रिक वाहन यानी कि ईवी चार्जिंग स्टेशन, ईवी का मतलब इलेक्ट्रिक व्हीकल, जनवरी 2022 में हरियाणा में गुरुग्राम में सेक्टर 52 में जो है ये शुरुआत किया गया। ईवी चार्जिंग स्टेशन भारत का सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन है। स्टेशन में सबसे ज़्यादा चार्जिंग पॉइंट है। यह स्टेशन दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे पर स्थित है। ठीक है, मुंबई चार्जिंग स्टेशन, तो यह स्टेशन भारत का दूसरा सबसे बड़ा चार्जिंग स्टेशन है। इसमें 16 AC और 4 DC चार्जिंग कनेक्शन क्षमता है और यह महाराष्ट्र राज्य के नवी मुंबई में स्थित है। ठीक है, जनवरी 2022 में गंगा सागर मेला किस राज्य में आयोजित किया गया, तो यह आयोजित किया गया पश्चिम बंगाल में। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में हर साल लगता है, हुगली नदी के तट पर, जहां पर गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 24 दक्षिण 24 परगना जिला में आयोजन स्थल का होता है और गंगा सागर मेला जो है इस अवसर पर मकर संक्रांति के दिन हजारों तीर्थयात्री संत पर्यटक गंगा बंगाल की खाड़ी में पवित्र संगम में डुबकी लगाते हैं। गंगा सागर के वक्ष स्थल में कपिल मुनि का मंदिर है। इसका इनका जन्म स्थान महान संत कदर्म मुनि देवाहुति के देवी के यहाँ हुआ था। ठीक है, 30 जनवरी 2022 को किस देश के द्वारा 50वां खूनी रविवार मनाया गया, तो ये रूस के द्वारा मनाया गया। आंसर इसका ये पार्ट हो जाएगा। ठीक है, रूस के द्वारा ये 85 वर्षगांठ मनाने का कारण क्या, ये जान लेते हैं।
तो ये जो है 22 फरवरी 1905 को रूस की जार सेना ने सेंट पीटर्सबर्ग स्थान से गुजर रहे शांतिपूर्व मजदूरों तथा उनके परिवार के एक जुलूस पर गोलियां बरसाई थी। ये लोग नागरिक अधिकार प्रदर्शन में भाग ले रहे थे, तभी से इस घटना को खूनी रविवार नाम दिया गया। अगला क्वेश्चन, जनवरी 22 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस जिले में स्थित सैनिक स्कूल का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा गया? तो वो रखा गया मैनपुरी के सैनिक स्कूल का नाम बदला गया। ठीक है, आंसर इसका मैनपुरी हो जाएगा। मैनपुरी स्थित सैनिक स्कूल है जिसका नाम अब क्या हो जाएगा, जनरल बिपिन रावत के नाम पर रख दिया गया। उत्तर प्रदेश से संबंधित है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा यह किया गया। विद्यार्थियों को राष्ट्र सेवा और कर्तव्य पालन के प्रति प्रेरित करना इसका मेन मकसद है। जनरल बिपिन रावत की बात करें तो जन्म 1958 में हुआ था। इन्हें दिसंबर 1978 में भारतीय सेना की 5वीं बटालियन और 11वीं गोरखा राइफल्स में नियुक्त किया गया था। ये देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। इस पद पर इन्हें 2019 में नियुक्ति किया गया था और इनकी मृत्यु जो है दिसंबर 2021 में तमिलनाडु के कुन्नूर जिले में जो है हेलीकॉप्टर दुर्घटना में इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, जनवरी 2022 में गंजम को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया गया। 21 राज्य से संबंधित है, तो ये जो है ओडिशा राज्य से संबंधित है। ठीक है, बाल विवाह मुक्ति जिला कौन सा है? गंजम जिला बना है जो कि ओडिशा राज्य से संबंधित है और ये पहला राज्य का पहला जिला बना है ऐसा बाल विवाह से मुक्त होने वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुरस्कार और सम्मान में देख लेते हैं। पुरस्कार और सम्मान, तो ऑल इंडिया रेडियो दूरदर्शन ने हाल ही में आयोजित ABU यूनेस्को पीस मीडिया अवार्ड 2021 में कई पुरस्कार जीते। इस पुरस्कार समारोह का आयोजन कहाँ किया गया था? तो यह किया गया था मलेशिया में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, सी पार्ट, कुआलालंपुर मलेशिया में हुआ था। 5 द्वीपों के 33 देश इसमें भाग लिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 फरवरी 2022 को निम्नलिखित में से किसको हिलाल ए पाकिस्तान सम्मान से सम्मानित किया गया? तो वह है बिल गेट्स। आंसर क्या हो जाएगा, ए पार्ट हो जाएगा। हिलाल ए पाकिस्तान से सम्मानित व्यक्ति जो है वो बिल गेट्स हैं। पाकिस्तान का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, पहला कौन सा है? निशान ए पाकिस्तान। ठीक है, फरवरी 2022 में बिल गेट्स को दिया गया। बिल गेट्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट संस्था के संस्थापक हैं और यह तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान के द्वारा प्रदान किया गया। ठीक है, बिल गेट्स के पाकिस्तान में किए गए पोलियो वायरस के उन्मूलन के प्रयास के कारण यह प्रदान किया गया। विश्व भर में पोलियो उन्मूलन में बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन का प्रमुख योगदान है। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। पोलियो माइलाइटिस नामक वायरस के कारण होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2022 में असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार असम वैभव किसे प्रदान किया गया? तो यह रतन टाटा जी को दिया गया। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, रतन टाटा। ठीक है, हेमंत बिस्वा शर्मा के द्वारा दिया गया और रतन टाटा जो कि राज्य के कैंसर रोगियों की देखभाल एवं सुविधाओं के प्रति उनके योगदान के लिए पुरस्कार इन्हें प्रदान किया गया। असम गौरव और असम सौरव दो अन्य पुरस्कार हैं। ठीक है, असम सौरव प्राप्तकर्ता की बात करें तो दीपक चंद्र जैन, प्रोफेसर कमलेंद्र देवक्रोरी और लक्ष्मण एस नीलभवन बरुआ और लवलीना बोरगोहन को भी दिया गया। ठीक है, लवलीना बोरगोहन कौन है? बॉक्सर हैं, तो ये भी आपको याद रखना। असम गौरव प्राप्तकर्ता बसंत हजारिका, कौशिक बरुआ, खोर सिंह तेरांग, मनोज कुमार, बसमातारी, मनुन्द्र नाथ डांटे, धरीधर बोरो, हेमप्रिया चुटिया, आकाश ज्योति गोगोई, नमिता कलिता, काशिफ इकबाल, कल्पना बोरो, बाबू हजारिका और बोरन नीता मोमिन को प्रदान किया गया। ठीक है, असम राज्य का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है असम वैभव। पुरस्कार राशि तो असम वैभव में 5 लाख रुपये, असम सौरव में 4 लाख और असम गौरव में 3 लाख रुपये प्रदान किया जाता है। रतन टाटा जो है देश के जाने माने उद्योगपति और टाटा संस के पूर्व अध्यक्ष हैं। 2008 में इन्हें पद्म विभूषण और 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित किया जा चुका है। जनवरी 2022 में 73वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्वारा कितने लोगों को वीरता पदक और सैन्य अलंकरणों से सम्मानित करने के लिए मंजूरी प्रदान किया गया? तो इसमें दिया गया टोटल 384 लोगों को। आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा, 384 लोग। गणतंत्र दिवस वीरता पुरस्कार दिया गया। समारोह संस्करण था 73वां और इसमें कुल प्राप्तकर्ताओं की संख्या 384। ठीक है, वीरता पुरस्कार में देखिए इस तरीके से इसमें पाए गए लोग। परम विशिष्ट सेवा पदक में नीरज चोपड़ा को दिया गया जो कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में ट्रैक एंड फील्ड स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं और यह 4 राजपुताना राइफल के सूबेदार भी हैं। PBSM आमतौर पर 3 स्टार अधिकारियों को उनकी विशिष्ट सेवा के लिए दिए जाने वाला अलंकरण है। शौर्य चक्र जो है भारत का तीसरा सर्वोच्च शीतकालीन वीरता पुरस्कार है। ये पुरस्कार 9 लोगों को मरणोपरांत और 3 अन्य लोगों को यह दिया गया। ठीक है, उनमें नाम देख लेते हैं तो नायब सूबेदार श्रीजीत M मरणोपरांत, हवलदार अनिल कुमार तोमर मरणोपरांत, हवलदार काशी राय वमनपल नल्ली मरणोपरांत, हवलदार पिंकू कुमार मरणोपरांत, सिपाही मारू प्रोलू जसवंत कुमार रेड्डी मरणोपरांत,
सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल अजीत सिंह मरणोपरांत, सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल विकास कुमार मरणोपरांत, सीआरपीएफ कांस्टेबल पूर्णानंद मरणोपरांत प्रदान किया गया। सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल कुलदीप कुमार उर्वन मरणोपरांत, राइफलमैन राकेश शर्मा, सीआरपीएफ के डिप्टी कमांडर दिलीप सिंह, सीआरपीएफ के सहायक कमांडर अनिरुद्ध सिंह को प्रदान किया गया। अशोक चक्र की बात करें तो यह भारत का सर्वोच्च शीतकालीन वीरता पुरस्कार है। जम्मू कश्मीर पुलिस के सहायक उप निरीक्षक बाबू राम को मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। इन्होंने 29 अगस्त 2020 को श्रीनगर में एक ऑपरेशन के दौरान 3 आतंकवादियों को जो है मार गिराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीज माता के नाम से विख्यात रहीबाई सोमा पोपरे को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनका जन्म स्थान अहमदनगर महाराष्ट्र है। भारतीय किसान देसी पौधों के किस्म को संरक्षण करता है, ठीक है। बीज माता की उपाधि जो है वैज्ञानिक रघुनाथ मासेलकर द्वारा इन्हें दिया गया। पद्मश्री 2020 से सम्मानित, नारी शक्ति पुरस्कार 2019 और बीबीसी 100 महिला 2018 से सम्मानित किया गया। तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार NWA 2020 में जो है इन्हें प्रदान किया। सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में किस राज्य ने जो है प्रथम स्थान प्राप्त किया? तो वो है उत्तर प्रदेश। आंसर क्या हो जाएगा? डिपार्ट उत्तर प्रदेश, ठीक है। राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में उत्तर प्रदेश को पहला स्थान प्राप्त हुआ, दूसरा स्थान राजस्थान, तीसरा स्थान तमिलनाडु का है, ठीक है। और जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा 2018 में स्थापित किया गया था राष्ट्रीय जल पुरस्कार। जल समृद्ध भारत के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के लिए दिया जाता है। उद्देश्य क्या है? तो देश के राज्यों, जिलों, व्यक्तियों, संगठनों आदि के अनुकरणीय कार्यों, प्रयासों को मान्यता देना, जल संसाधन प्रबंधन के प्रति समग्र दृष्टिकोण अपनाने के लिए हितधारकों को प्रोत्साहित करना, जल के महत्व के बारे में जागरूकता प्रसार करना, जल उपयोग के सर्वोत्तम तरीकों को अपनाने के लिए प्रेरित करना, ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दिवस आता है। दिवस में अगर देखें तो 14 जनवरी 2022 को कौन सा दिवस मनाया गया? तो वो है सशस्त्र बल पूर्व भूतपूर्व सैनिक दिवस, जो कि 14 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। सशस्त्र बल भूतपूर्व सैनिक दिवस 14 जनवरी को मनाया गया। इस दिन आयोजन वर्ष 1953 में सेवानिवृत्त हुए भारतीय सशस्त्र बलों के प्रथम कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल KM करिप्पा द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के सम्मान और मान्यता के प्रतीक के रूप में जो है मनाने का निर्णय लिया गया। भूतपूर्व सैनिकों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के सम्मान और मान्यता के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। 14 जनवरी 2017 को प्रथम आयोजन हुआ था और ये जो है छठा आयोजन है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में किस तिथि को प्रतिवर्ष डाटा संरक्षण दिवस मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 28 जनवरी को। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, 28 जनवरी डाटा संरक्षण दिवस। व्यक्तियों को संवेदनशील बना, गोपनीयता प्रथाओं और संसाधनों का प्रसार करना इसका मेन उद्देश्य रहा है, ठीक है। 2022 की थीम की बात करें तो प्राइवेसी मैटर्स इसकी थीम बनी थी 2022 में। 1981 से मनाया जा रहा है 28 जनवरी को हर बार, और 28 जनवरी को यूरोप की प्रसिद्ध डाटा संरक्षण सम्मेलन में आयोजन किया, जिसे कन्वेंशन 108 के नाम से भी जाना जाता है। जनवरी 2022 में लोकसभा सचिवालय द्वारा किस तिथि को डिजिटल संसद ऐप लॉन्च किया गया? तो यह लॉन्च किया गया 27 जनवरी को। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, 27 जनवरी डिजिटल संसद ऐप ओम बिड़ला के द्वारा लॉन्च किया गया, जो कि लोकसभा अध्यक्ष हैं। संसद की कार्यवाही को आम जनता के लिए सुलभ बनाना इसका मेन उद्देश्य है, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 26 जनवरी को हर वर्ष। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। थीम था डाटा संस्कृति अपनाने और डाटा पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करके सीमा शुल्क डिजिटल परिवर्तन को बढ़ाना इसका थीम बना था, ठीक है। सीमा शुल्क संगठन की बात करें विश्व की, तो 1952 में स्थापना, इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। इसमें 183 सदस्य हैं। एकमात्र ऐसा अंतर्राष्ट्रीय निकाय है जो विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क और सीमा नियंत्रण के लिए समर्पित है। महासचिव इस समय कुनियो मिकुरिया हैं। जनवरी 2022 में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि की स्मृति में किस तिथि को शहीद दिवस मनाया जाता है? तो वो है 30 जनवरी। 30 जनवरी को शहीद दिवस हर वर्ष मनाते हैं, ठीक है। और मनाने की पूर्ण तिथि थी 30 जनवरी 2022। हत्या की तिथि थी महात्मा गांधी की 30 जनवरी 1948। हत्याकर्ता थे नाथुराम गोडसे और हत्यास्थल था दिल्ली, ठीक है। महात्मा गांधी की बात करें तो इनका जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में। इन्हें भारत में अंग्रेजों की स्वतंत्रता के लिए संघर्ष और सत्य अहिंसा में उनकी नीति के लिए याद किया जाता है। नाथुराम गोडसे की बात करें तो इन्हें 15 नवंबर 1949 को अंबाला सेंट्रल जेल में फांसी दे दी गई थी। नाथुराम गोडसे के साथ इनके सहयोगी नारायण आपटे को भी फांसी दे दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में विश्व हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो यह 10 जनवरी को मनाया जाता है। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, 10 जनवरी सी पार्ट हो जाएगा, 10 जनवरी, ठीक है। पहली बार 2006 में मनाया गया था 10 जनवरी को ही। हिंदी भाषा की बात करें तो इसे शब्द हिंदी की उत्पत्ति फारसी शब्द हिंदी से हुआ है और इसका अर्थ है सिंधु नदी की भूमि, और यह भारत की राजभाषा है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 फरवरी 2022 को भारतीय तटरक्षक बल के द्वारा कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो वो था 46वां स्थापना दिवस भारतीय तटरक्षक के द्वारा, जो कि 1 फरवरी को मनाया गया। ठीक है, रक्षा मंत्रालय संबंध है, 1 फरवरी 1977 को स्थापना किया गया था। आदर्श वाक्य है वयम रक्षामः, हम रक्षा करते हैं, इसका आदर्श वाक्य। ठीक, 46वां संस्करण था इस बार का। भारतीय तटरक्षक बल यानी कि ICG विश्व का चौथा सबसे बड़ा तटरक्षक बल है। वर्तमान में इसमें 158 पोत 70 विमान सम्मिलित है। इसमें वर्ष 2025 तक 200 जमीनी प्लेटफार्म और 80 विमानों से लक्षित बल को प्राप्त करने की संभावना है। 2021 में ICG द्वारा समुद्र में 1200 अधिक लोगों की जान बचाई गई। इसके द्वारा अपनी स्थापना के बाद से अब तक 11,000 से अधिक लोगों की जान बचाई गई। ठीक है, समुद्री माध्यम के माध्यम से तस्करी की रोकथाम में पिछले एक वर्ष में ICG द्वारा 4,000 करोड़ रुपये का ड्रग्स और प्रतिबंधित पदार्थ जब्त किया गया। इसके अलावा ICG ने अपनी स्थापना के बाद से अब तक 12,000 करोड़ रुपये की ड्रग्स और प्रतिबंधित पदार्थ जब्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में किस तिथि को विश्व कुष्ठ दिवस मनाया गया? तो यह 30 जनवरी को मनाया गया। आंसर क्या हो जाएगा? 30 जनवरी को ही शहीद दिवस भी मनाया जाता है, तो ये भी याद रखना। थीम बना था 2022 का यूनाइटेड फॉर डिग्निटी। ठीक है, कुष्ठ रोग की बात करें तो कुष्ठ रोग दीर्घकालीन संक्रामक रोग है। ये बेसिलस माइकोबैक्टीरियम लेप्री के कारण होता है। इस रोग को हैंसन का रोग भी कहते हैं और इस रोग के बैक्टीरिया की खोज चिकित्सक डॉक्टर गेरहार्ड हेनरिक हैंसन ने किया था, इसलिए इसको हैंसन रोग भी कहा जाता है। यह दिवस प्रतिवर्ष जनवरी माह के अंतिम रविवार को मनाया जाता है। देश में राष्ट्रीय कुष्ठ रोग नियंत्रण कार्यक्रम जो है 1955 में शुरू किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया 4 फरवरी को। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, 4 फरवरी। यह दूसरा संस्करण था। इस वर्ष इसका थीम था कार्रवाई में मानव बंधुत्व। ठीक है, 2021 का थीम था भविष्य के लिए एक रास्ता। हिंदू संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा यह संस्थापक है, तो यह मनाया गया 4 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में तीसरा विश्व उपेक्षित गठबंधीय रोग दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो यह 30 जनवरी को ही मनाया गया। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, हाल ही में विश्व कैंसर दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो ये 4 फरवरी को मनाया गया। आंसर इसका सी पार्ट होगा, हो जाएगा कैंसर दिवस। पहल करता है यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल यानी कि UICC। सर्वप्रथम मनाया गया 4 फरवरी 2000 को। 2022 का थीम था क्लोज द केयर गैप। ठीक है, इसका थीम बना। 2021 का थीम था मैं हूँ और मैं रहूँगा। ठीक है, उद्देश्य क्या था? तो लोगों में कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाना। इस दिवस की स्थापना 4 फरवरी 2000 को जो है पेरिस न्यू मिलेनियम के लिए कैंसर के विरुद्ध विश्व सम्मेलन पेरिस चार्टर के द्वारा किया गया था। WHO के अनुसार विश्व स्तर पर कैंसर मृत्यु का दूसरा कारण है। अंतर्राष्ट्रीय कैंसर नियंत्रण संघ के अनुसार प्रतिवर्ष 10 मिलियन लोग कैंसर के कारण मरते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 2021 में पहले लेखा परीक्षण दिवस का आयोजन किस तिथि को किया गया? तो यह किया गया 16 नवंबर को। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, गिरीश चंद्र मुर्मू ने जो है अगस्त 2020 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के रूप में पदभार ग्रहण किया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत जो है स्वतंत्र कार्यालय का प्रावधान करता है। यह भारत की एक सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्था है। 1 मार्च को प्रत्येक वर्ष विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस किसके द्वारा मनाया जाता है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय नागरिक सुरक्षा संगठन के द्वारा 1 मार्च को मनाया जाता है। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नागरिक की सुरक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना इसका मेन उद्देश्य है। 2022 का थीम था सिविल डिफेंस एंड मैनेजमेंट ऑफ डिस्प्लेस्ड पॉपुलेशन इन द फेस ऑफ डिजास्टर्स क्राइसिस, रोल ऑफ वॉलंटियर्स एंड द फाइट अगेंस्ट पेंडेमिक्स, ये इसका थीम बना था। ICTO एक अंतर सरकारी संगठन है। यह संगठन बुनियादी ढांचे की सुरक्षा करते हुए नागरिकों के विकास और सुरक्षा में योगदान देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 में किस तिथि को इस्लामोफोबिया से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में घोषित किया गया? तो यह 15 मार्च को घोषित किया गया। ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस्लामोफोबिया दिवस 15 मार्च को घोषित किया गया। इस्लामिक सहयोग संगठन OIC के द्वारा प्रस्ताव पेश किया गया। मंजूरी प्रदान करता था संयुक्त राष्ट्र महासभा। इस्लामोफोबिया को रोकने के बारे में सभी स्तरों पर प्रभावी ढंग से जागरूकता बढ़ाना इसका उद्देश्य है। इस धातव्य है कि इस्लामोफोबिया इस्लाम मुसलमानों के धर्म के प्रति घृणा, भय और पूर्वाग्रह है। 15 मार्च वह दिन है जब 15 मार्च 2019 को बंदूकधारियों ने न्यूजीलैंड में 2 मस्जिदों में प्रवेश कर कई लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है योजना, परियोजना और अभियान। तो जनवरी 2022 में स्वदेशी विनिर्माण को बढ़ावा देने के लिए किसके द्वारा ड्रोन प्रमाणन योजना अधिसूचित किया गया? तो यह किया गया है उड्डयन मंत्रालय के द्वारा। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, उड्डयन मंत्रालय। ठीक है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के द्वारा किया गया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय सूचित करता था 26 जनवरी 2022 को किया गया। उद्देश्य था न्यूनतम सुरक्षा और गुणवत्ता सुनिश्चित करना। वर्ष 2030 तक भारत को दुनिया में ड्रोन हब बनाना इसका मेन लक्ष्य रखा गया है।
इस योजना को उदारीकृत ड्रोन नियमावली 2021 के नियम 7 के तहत सूचित किया गया। यह योजना ड्रोन के सरल त्वरित और श्रेणी के संबंधी पारदर्शी प्रमाणन में मदद मिलेगी। इस योजना से स्वदेशी विनिर्माण को भी बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला 35वां राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा बना है? तो बना है छत्तीसगढ़। ठीक है, 35वां राज्य बन गया है केंद्र वन नेशन वन राशन कार्ड को लागू करने वाला। ठीक है, एक राष्ट्र एक राशन कार्ड जो है ONORC योजना को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन कार्डों की राष्ट्रव्यापी पोर्टेबिलिटी के लिए लागू किया गया। वर्तमान में 35 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 96.8% NFSA जनसंख्या करीब 77 करोड़ को एक राष्ट्र एक राशन कार्ड के तहत आच्छादित किया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2022 में गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि गेल ने प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन के सम्मिश्रण की पहली परियोजना कहाँ शुरू की? तो इंदौर, मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में शुरू किया गया। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, गेल के द्वारा शुरू किया गया, आपूर्ति की जाएगी अवंतिका गैस लिमिटेड कंपनी को, ये भी आपको याद रखना है। और इसमें जो भारत ने 2070 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य रखा है, उसके तहत एक सारे कार्य किए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवंबर 2021 में राष्ट्रव्यापी AHDF KCC अभियान का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो यह किया गया पुरुषोत्तम रूपाला के द्वारा। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, पुरुषोत्तम रूपाला जो कि केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं, 15 नवंबर 2021 को किया गया था। मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय से संबंधित है। पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा हाइब्रिड मोड में राष्ट्रव्यापी AHDF KCC अभियान का शुभारंभ किया गया। ठीक है, अब विविध कुछ देख लेते हैं। दिसंबर 2021 में किसके द्वारा मसाला सांख्यिकी की एक नज़र में जो है 2021 पुस्तक का विमोचन किया गया? तो यह किया गया नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो ये नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा गया कृषि और कल्याण मंत्रालय से संबंधित है। इस पुस्तक में मसालों के आंकड़ों का संग्रह दिया हुआ है। पुस्तक का प्रकाशन की बात करें तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के तहत सुपारी और मसाला विकास निदेशालय ने किया है। DAASD एक नोडल एजेंसी है जो उत्पादन और आंकड़ों का संग्रहण एवं संकलन करती है। मसालों का उत्पादन 2014-15 में 67 लाख टन से बढ़कर 2020-21 में 106 लाख टन हो गया, जिसकी वार्षिक वृद्धि 7.9% है। क्षेत्रफल में वृद्धि हुई है, इस दौरान मसाला क्षेत्र में 32 लाख हेक्टेयर से बढ़कर 45 लाख हेक्टेयर हो गया। ठीक है, जीरा में 14.8% की वृद्धि, लहसुन में 14.7% की वृद्धि, अदरक में 7.5% की वृद्धि, सौ में 6.5% की वृद्धि, धनिया में 6.2% की वृद्धि, मेथी में 5.5% की वृद्धि, लाल मिर्च 4% की वृद्धि और हल्दी में 0.3% की वृद्धि हुई। ठीक है, निर्यात की बात करें, बढ़ोतरी के आंकड़े, तो इस अवधि में निर्यात 14,900 करोड़ रुपए के मूल्य के 8.94 लाख टन से बढ़कर 29,535 करोड़ रुपए यानी कि 3.98 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 16 लाख टन हो गया। ठीक है, इस दौरान मात्रा के दृष्टिकोण से 9.8% वार्षिक वृद्धि दर हुई है। कीमत के दृष्टिकोण से 10.5% वार्षिक वृद्धि हुई है। देश के सभी बागवानी फसलों से प्राप्त कुल निर्यात आय मसालों का योगदान 41% आता है। अब देखते हैं खेल प्रदेश। ठीक है, पहला क्वेश्चन है खेल प्रदेश से संबंधित कि मार्च में संपन्न टेनिस प्रतियोगिता BNP बरिबास ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो टेलर फ्रिट्ज के द्वारा जीता गया। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, इसमें ये इंपॉर्टेंट है, इंडियन वेल्स संयुक्त राज्य अमेरिका में ये जो है आयोजन स्थल हुआ था, इसमें टेलर फ्रिट्ज के द्वारा जीता गया। दूसरा उपविजेता थे राफेल नडाल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2022 में संपन्न योनेक्स ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियन 2020 का पुरुष एकल खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो विक्टर एक्सेलसन के द्वारा जीता गया। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ये आप लोग विजेता जान लीजिएगा बस। इसमें और पुरुष उप विजेता एकल विजेता लक्ष्य सेन भारत के थे, जहाँ भारत आ जाता है वहाँ पर देखना जरूरी हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2022 में संपन्न भारत की पेशेवर फुटबॉल लीग से एक इंडियन सुपर लीग 2022 का खिताब किसने जीता है? तो यह हैदराबाद FC ने जीता है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम फरदवा गोवा में हुआ था, विजेता टीम हैदराबाद FC बनी पहली बार, उप विजेता टीम थी केरला ब्लास्टर्स FC। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मार्च 2022 में संपन्न ITF वर्ल्ड टेनिस टूर सत्र 2022 की टेनिस प्रतियोगिता SKME ITF ओपन 2022 के पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीता गया है अर्जुन काधे के द्वारा। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2022 में 11वीं राष्ट्रीय हॉकी आइस हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? तो ITBP ने जीता। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, ITBP। ठीक है, आयोजन स्थल था काजा हिमाचल प्रदेश, कुल टीमें 5 इसमें प्रतिभाग हुई थी, विजेता टीम है ITBP यानी कि भारत तिब्बत सीमा पुलिस, उप विजेता है इंडियन आर्मी,
हाई साकी गुलमर्ग कश्मीर में 2020 में आयोजित खेलो इंडिया विंटर गेम्स की हिस्सा थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्च 2022 में संपन्न 19वीं एशियन 100 ऑफ बिलियर्ड्स चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता? तो पंकज आडवाणी ने जीता। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, दोहा कतर में आयोजित हुआ, उप विजेता थे ध्रुव सितवाला जो कि भारत के हैं दोनों। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2022 में मालदीव सरकार ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर के मालदीवी स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 में प्रतिष्ठित स्पोर्ट आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया है? तो यह किया गया है सुरेश रैना के याद में। ठीक है, आंसर इसका क्या जाए, सुरेश रैना हो जाएगा, पूर्व भारतीय क्रिकेटर हैं और आयोजन स्थल था माले। ठीक है, मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद सलीह ने पुरस्कार प्रदान किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मार्च 2022 में संपन्न पहले गुवाहाटी इंटरनेशनल ओपन ग्रैंड मास्टर चेस टूर्नामेंट 2022 के पुरुष वर्ग का खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो पावेल पोंकरा तो के द्वारा जीता गया। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, पावेल पोंकरा तो। आयोजन स्थल था गुवाहाटी असम, पावेल पोंकरा तो रूस के हैं। पुरुष वर्ग में दूसरा स्थान फावजी अधम का है, मिस्र से हैं। तीसरा स्थान है एस नितिन का जो कि भारत से हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मार्च 2022 में किसे फरवरी माह के लिए आईसीसी मेंस यानी कि पुरुष प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया? तो यह चुना गया है श्रेयस अय्यर को। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के द्वारा दिया गया है श्रेयस अय्यर को। वुमेन्स प्लेयर ऑफ द मंथ अमेलिया कैर न्यूजीलैंड की है, इन्हें प्रदान किया गया। 10 मार्च 2022 में संपन्न बैडमिंटन प्रतियोगिता स्लोवाक ओपन जो है 2022 के महिला एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो अदिति भट्ट ने जीता। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक, स्लोवाक ओपन आयोजन स्थल था स्लोवाकिया में। पुरुष एकल विजेता है रिकू हतानो जो कि जापान के हैं। महिला एकल विजेती हैं अदिति भट्ट भारत की, यही आपको याद रखना है। मार्च 2022 में प्रदत्त स्पोर्ट स्टार एसएच अवार्ड 2022 के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो स्पोर्ट ऑफ द ईयर महिला मीराबाई चानू को चुना गया, स्पोर्ट ऑफ द ईयर पुरुष में नीरज चोपड़ा को चुना गया, क्लब टीम ऑफ द ईयर हैदराबाद एफसी को चुना गया, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड अजीत पाल सिंह को चुना गया। तो इसमें जो सी पार्ट है ये गलत है, क्लब टीम ऑफ द ईयर हैदराबाद को नहीं चुना गया है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, सी ही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, क्लब टीम ऑफ द ईयर मुंबई सिटी एफसी को चुना गया, ये आपको याद है। नेशनल टीम ऑफ द ईयर भारतीय पुरुष हॉकी टीम, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर जो है मीराबाई चानू और लविना बोरगोहन को दिया गया, स्पोर्ट्स ऑफ द ईयर स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर रवि दहिया को, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर सविता को दिया गया, स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर टीम स्पोर्ट्स के लिए रुपिंदर पाल सिंह को दिया गया, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर क्रिकेट के मिताली राज को दिया गया, स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर क्रिकेट में रविचंद्रन अश्विन को दिया गया, पैरा एथलीट ऑफ द ईयर पुरुष में सुमित अंतल, पैरा एथलीट ऑफ द ईयर महिला में अवनी लेखरा, यंग एथलीट ऑफ द ईयर पुरुष में निहाल सरीन, यंग एथलीट ऑफ द ईयर महिला में ईशा सिंह, ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस ऑफ द ईयर भारतीय महिला हॉकी टीम, बेस्ट स्टेट फॉर द प्रमोशन ऑफ द स्पोर्ट हरियाणा को, मोमेंट ऑफ द ईयर भारतीय हॉकी पुरुष टीम के द्वारा टोक्यो ओलंपिक 2020 में कांस्य पदक का जीतना इसके लिए दिया गया, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर रेकर्ड्स स्पोर्ट्स में पीवी सिंधु को, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है अजीत पाल सिंह को, कोच ऑफ द ईयर विजय शर्मा को जो कि मीराबाई चानू के कोच हैं, स्पोर्ट ऑफ द ईयर ट्रैक एंड फील्ड में नीरज चोपड़ा को, स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर ट्रैक एंड फील्ड में कमल प्रीत कौर को प्रदान किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 में बेलग्रेड में आयोजित इंडोर विश्व चैंपियनशिप में किस महिला खिलाड़ी ने ट्रिपल जंप स्पर्धा में 15.74 मीटर छलांग लाकर नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो उनका नाम है यूलिमार रोजस। क्या नाम है? यूलिमार रोजस। ठीक है, और यह आयोजन स्थल था बेलग्रेड। यूलिमार रोजस जो है वेनेजुएला के हैं, इन्होंने जो 15.74 मीटर का छलांग लगाया जो कि रिकॉर्ड है अपने आप में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 में संपन्न बैडमिंटन प्रतियोगिता पुर्तगाल इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो एंडी फदेल मोहम्मद के द्वारा जीता गया। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। एंडी फदेल मोहम्मद जो कि इंडोनेशिया के हैं और इन्होंने जो है जीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, मार्च 2022 में संपन्न बैडमिंटन प्रतियोगिता योनेक्स अवार्ड योनेक्स गैनवार्ड जर्मन ओपन 2022 के पुरुष एकल के खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो यह जीता गया कुंडलावुत दर्शन के द्वारा। ठीक है, आंसर बी पार्ट हो जाएगा। मार्च 2022 में संपन्न महिला टेनिस प्रतियोगिता लियोन ओपन 2022 के महिला एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो सुआई झांग के द्वारा जीता गया। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। सुआई झांग जो है चीन की है। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2022 में संपन्न सैफ अंडर 18 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो ये भारत के द्वारा जीता गया। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। जमशेदपुर झारखंड में आयोजित हुआ था, भाई तीसरा संस्करण था। 3 देश में प्रतिभागी है, भारत बांग्लादेश और नेपाल।
इसमें भारत पहली बार जीता है, बांग्लादेश विजेता बना था, तीसरा स्थान नेपाल का आया। ठीक है, अगला क्वेश्चन। मार्च 2022 में संपन्न फार्मूला वन रेस वन वर्ल्ड चैंपियनशिप 2022 की पहली रेस कार बहरेन ग्रैंड प्रिक्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये चार्ल्स लेक्लर्क के द्वारा जीता गया है। ठीक है, जो कि ये मोनाको के हैं, टीम फरारी से। अगला है, मार्च 2022 में संपन्न एशियाई नौकायन चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते? तो इसमें कुल 9 पदक जीते हैं। आंसर इसका सी पार्ट, डी पार्ट हो जाएगा, 9 पदक। ठीक है, अबू धाबी में आयोजित किया गया था, 3 स्वर्ण 3 रजत और 3 कांस्य पदक जीता गया। भारतीय स्वर्ण पदक विजेता है केसी गणपत और वरुण ठक्कर, जो कि पुरुषों के 49 ईयर वर्ग में, और पुरुष श्रवण विष्णु श्रवण जो है ये पुरुषों के लेजर मानक ISL 7 वर्ग में, और रितिका डांगी ये लड़कियों के लेजर ISL 4 वर्ग में, इन्होंने जो है स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्च 2022 में नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में 11वें खेल महाकुंभ का शुभारंभ किया। गुजरात के खेल महाकुंभ का आयोजन कब से किया जा रहा है? तो ये वर्ष 2010 से किया जा रहा है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, अहमदाबाद में उसका उद्घाटन हुआ, गुजरात सरकार आयोजित थी। 36 खेल और 26 पैरा स्पोर्ट्स में खेले गए, 45 लाख से अधिक पंजीकृत खिलाड़ी थे इसमें, और ये एक वार्षिक खेलकूद प्रतियोगिता है। इसमें 2010 में गुजरात के 43 मंत्री मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में खेल महाकुंभ की शुरुआत की गई। पहले खेल महाकुंभ में 16 खेलों में 13 लाख प्रतिभागी शामिल हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 में संपन्न एजेस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस कोलकाता फुल मैराथन 2022 के पुरुष वर्ग का खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो रूपन देवनाथ ने जीता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 में संपन्न गोल्फ प्रतियोगिता वालस्पर चैंपियनशिप का खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो सैम बर्स ने जीता है। आंसर इसका सी पार्ट हो जाएगा। फरवरी 2022 में संपन्न कतर एक्सान मोबिल ओपन 2022 का पुरुष एकल का खिताब जो है रॉबर्टो बतिस्ता अगुट के द्वारा जीता गया है, जो कि ये स्पेन के हैं। 2022 संपन्न मार्च में टोक्यो मैराथन 2022 के पुरुष इलीट वर्ग का खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो इलियट किपचोगे के द्वारा जीता गया है। यह किपचोगे जो है ये केन्या का है। फरवरी 2022 में संपन्न महिला टेनिस प्रतियोगिता सेंट पीटर्सबर्ग लेडीज ट्रॉफी 2022 में महिला एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो एनेट कोंटाबेइट के द्वारा जीता गया है, और ये जो है एस्टोनिया की हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस देश के पूर्व क्रिकेटर राड मार्श का निधन हो गया? तो राड मार्श जो है ये द ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर थे, इनका निधन हो गया, बी पार्ट सही हो जाएगा। इसके बाद फरवरी 2022 में जो है संपन्न टेनिस प्रतियोगिता मैक्सिको ओपन 2022 का पुरुष एकल खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो राफेल नडाल के द्वारा जीता गया। आंसर इसका डी पार्ट हो जाएगा, राफेल नडाल जो है स्पेन के हैं। फरवरी मार्च 2022 में श्रीलंका क्रिकेट टीम के भारत दौरे के संबंध में कौन सा विकल्प सही नहीं? भारत ने T20 मैचों की श्रृंखला 3-0 से जीता। T20 श्रृंखला में भारत के श्रेयस अय्यर प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए। 2 टेस्ट मैचों की श्रृंखला में भारत ने 2-0 से जीता, और इस श्रृंखला में ऋषभ पंत प्लेयर ऑफ द सीरीज चुने गए। टेस्ट श्रृंखला में सर्वाधिक रन 201 रन श्रेयस अय्यर ने बनाए। तो इसमें जो डी पार्ट है यही सही नहीं है, बाकी सारे सही हैं। ठीक है, इसमें अगर सर्वाधिक रन की बात करें तो 204 रन बनाए थे श्रेयस अय्यर ने, वहाँ पर 201 रन दिया था, इसलिए गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2022 में संपन्न टेनिस प्रतियोगिता बंगलुरु ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो बंगलुरु ओपन जो जीता गया है सेंग चुन सिंह के द्वारा। सेंग चुन सिंह जो है ये ताइवान का है और इसने जीता है। ठीक है, वीवो प्रो कबड्डी लीग 2021-22 का खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो दबंग दिल्ली के द्वारा जीता गया। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। बंगलुरु कर्नाटक में आयोजन हुआ था, 8वां संस्करण था, 12 टीमें थी इसमें। दबंग दिल्ली जो पहली बार ये जीती है, उप विजेता पटना पायरेट्स था। ठीक है, डिफेंडर ऑफ द सीजन दिया गया मोहम्मद रेजा चियाने को, पटना पायरेट्स के हैं। रेडर ऑफ द सीजन पवन सहरावत को, बंगलुरु बुल्स के हैं। सबसे मूल्यवान खिलाड़ी नवीन कुमार को, दबंग दिल्ली के हैं। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन मोहित गोयल को दिया गया, पुनेरी पल्टन के हैं। ठीक है, तो इस तरीके से प्रदान किया गया। 26 फरवरी 2022 को संपन्न टेनिस प्रतियोगिता दुबई ड्यूटी टेनिस चैंपियनशिप 2022 के महिला एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो जेलिना ओस्टापेंको के द्वारा जीता गया। जेलिना ओस्टापेंको जो हैं ये जो हैं लाटविया देश की हैं। ठीक है, फरवरी 2022 में संपन्न गोल्फ प्रतियोगिता द होंडा क्लासिक 2022 का खिताब किसने जीता है? तो यह जीता गया है सेप स्ट्राका के द्वारा। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा, सेप स्ट्राका जो कि ऑस्ट्रेलिया देश के हैं। जनवरी 2022 में ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश T20 लीग में खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष क्रिकेटर कौन है? तो वह हैं उन्मुख चंद। आंसर क्या जाएगा, बी पार्ट हो जाएगा, उन्मुख चंद। 28 उम्र है इनकी और संबंध देश ऑस्ट्रेलिया से हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में संपन्न टेनिस प्रतियोगिता कतर टोटल एनर्जीज ओपन 2022 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये जीता गया इगिया
सॉरी इगा शिवाटेक के द्वारा जीता गया, जो कि ये पोलैंड की हैं। फरवरी 2022 में किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का एथलीट आयोग का अध्यक्ष चुना गया है? तो वो हैं एम्मा टेरोह को चुना गया है। एम्मा टेरोह जो हैं ये फिनलैंड की हैं। उन्हें आइस हॉकी खिलाड़ी का आयोग का अध्यक्ष चुना गया है। पेरिस ओलंपिक 2024 तक इनका कार्यकाल रहेगा। आयोग की पहली उपाध्यक्ष हैं आयोग की सियुंग मिन यू, कोरिया गणराज की हैं। टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। आयोग की दूसरी उपाध्यक्ष सारा वाकर हैं, न्यूजीलैंड की साइकिलिस्ट हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फरवरी 2022 में संपन्न पाकिस्तान सुपर लीग IPCL 2022 का खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो लाहौर कलंदर्स के द्वारा जीता गया। ठीक है, आयोजक था HBL, 6 टीमें थी इसमें। विजेता लाहौर कलंदर्स पहली बार, उपविजेता मुल्तान सुल्तान था। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में संपन्न स्ट्रेटजा मेमोरियल बॉक्सिंग टूर्नामेंट 2022 में भारत ने ओवरऑल कुल कितने पदक जीते? तो ओवरऑल 3 पदक इसमें जीते हैं। आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी पार्ट हो जाएगा। सोफिया बुल्गारिया में आयोजन हुआ, भारत ने ओवरऑल कुल 3 पदक जीता, उसमें 2 स्वर्ण 1 कांस्य पदक था। पदक तालिका में भारत का स्थान 5वां स्थान था। स्वर्ण पदक विजेता है नीतू, जो कि महिलाओं की लाइट वेट स्पर्धा के 48 किलोग्राम भार वर्ग में, और निखत जरीन महिलाओं की फ्लाइट वेट स्पर्धा में 52 किलोग्राम वर्ग में जो है ये थी स्वर्ण पदक विजेता। भारतीय कांस्य विजेता है नंदनी, महिलाओं की हैवी वेट स्पर्धा के प्लस 81 किलोग्राम वर्ग भार में शामिल थे। शीर्ष 3 देश में उज्बेकिस्तान आता है, दूसरा रूस का, तीसरा कजाकिस्तान का। फरवरी 2022 में संपन्न टेनिस प्रतियोगिता डिलेरे बीच ओपन 2020 का पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो कैमरून नूरी ने जीता है। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। कैमरून नूरी जो है ब्रिटेन के हैं। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में संपन्न विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप 2022 में कौन महिला पैरा तीरंदाज इस चैंपियन में व्यक्तिगत स्पर्धा में रजत पदक जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बन गई हैं? तो वो हैं पूजा जातियान। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा, पूजा जातियान। ठीक है, विश्व तीरंदाजी पैरा चैंपियनशिप 2022 19 से 27 फरवरी तक आयोजन हुआ दुबई संयुक्त अरब अमीरात में। 40 देशों के 212 खिलाड़ी इसमें भाग लिया। भारत ने कुल पदक 2, रजत पदक जीता इसमें। कुल पदक में रजत पदक विजेता में एक है पूजा जात्यान, जो कि रिकर्व महिला ओपन स्पर्धा है, और दूसरा ज्योति और श्याम सुंदर स्वामी कंपाउंड ओपन मिश्रित टीम स्पर्धा में जीता। और ये पहली बार है जब भारत ने विश्व तीरंदाजी पैरा विश्व चैंपियनशिप में 2 रजत पदक जीते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2022 में संपन्न महिला टेनिस प्रतियोगिता एबिएल्टो एक्रोन जापोपान ओपन 2022 महिला एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो स्लोएन स्टीफेंस के द्वारा जीता गया। आंसर इसका बी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मार्च 2022 ऑस्ट्रेलिया के महान स्पिनर शेन वार्न का निधन हो गया, इस संबंध में कौन सा विकल्प का तथ्य सही नहीं है? वार्न का निधन थाईलैंड में हुआ, 145 मैचों में उन्होंने 708 विकेट हासिल किए थे। वार्न की कप्तानी में 2008 में राजस्थान रॉयल्स ने IPL में पहले सीजन का खिताब जीता था। वार्न को 2015 में ICC ऑल ऑफ फेम में शामिल किया गया था। तो आंसर इसका जो डी है यही गलत है, और ये डी आंसर हो जाएगा। शेन वार्न, इनका निधन 4 मार्च 2022 को थाईलैंड में हुआ था, निधन हो गया था। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण 1992 में इन्होंने किया था भारत के विरुद्ध सिडनी में। अंतिम मैच जनवरी 2007 में सिडनी में इंग्लैंड के विरुद्ध खेला। अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच इन्होंने 145 खेले, 708 विकेट लिए। पदार्पण में इन्होंने 1993 में वेलिंगटन में न्यूजीलैंड के विरुद्ध वनडे में पदार्पण किया। अंतिम वनडे मैच जनवरी 2005 में मेलबर्न में एशिया 11 के विरुद्ध खेला था। ठीक है, तो शेन वार्न की कप्तानी में पहले सीजन में 2008 में राजस्थान रॉयल्स ने खिताब जीता था। वो श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन के बाद टेस्ट में सर्वाधिक विकेट लेने वाले दूसरे गेंदबाज थे। 1992 से लेकर 2007 के बीच उनकी अतुल उपलब्धियों के लिए उन्हें बिजडन ने शताब्दी के 5 क्रिकेटरों में से चुना था। 2013 में उन्हें ICC हॉल ऑफ फेम से सम्मानित किया गया था, ना कि 2015 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2022 में संपन्न पुरुष टेनिस प्रतियोगिता ABN एमरो वर्ल्ड टेनिस टूर्नामेंट का पुरुष एकल का खिताब किसके द्वारा जीता गया? तो यह जीता गया फेलिक्स आगर एलियासेम के द्वारा। आंसर इसका ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, जो कि एक कनाडा देश के हैं। अगला क्वेश्चन है, फरवरी 2022 में सरकार द्वारा कितने करोड़ रुपए के परिवे के साथ राष्ट्रीय खेल प्रसंगों के लिए सहायता योजना जारी करने की मंजूरी प्रदान की गई? तो 1575 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की गई। आंसर सी पार्ट हो जाएगा। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय द्वारा मंजूरी प्रदान करता है भारत सरकार 1575 करोड़ रुपये। 15वां वित्त आयोग सहायता अवधि है 2021-22 से लेकर 2025-26 तक के लिए। राष्ट्रीय खेलों को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। ठीक है, तो ये था लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, और ये था पूरा ओवरऑल वॉल्यूम 3 बुक
जिसमें आज का ये लास्ट पार्ट था जो हम लोगों ने डिस्कशन किया, ठीक। इसमें पार्ट वन, पार्ट टू एंड पार्ट थ्री आज जो हो रहा है ये पूरा बुक कंप्लीट हो रहा है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। और आज के वीडियो में पर एंड करते हैं, कंप्लीट बुक ख़त्म हो गई है। अब आगे के वीडियो में नेक्स्ट कोई चीज़ लेकर आएंगे, कोई बुक या कोई पार्ट। तो तब तक के लिए वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करते रहे, शेयर करते रहे और वीडियो को देखते रहिए। थैंक यू, नमस्कार।